जी हाँ नमस्कार दोस्तों, बेहद ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। दरअसल बड़ी खबर के दौरान एक होटल में चल रहे दहेज व्यापार का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने यहां पर खुलासा कर दिया है और बताया जा रहा है कि यहां से 7 से 8 युवक युवतियों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया है और बताया जा रहा है कि यहाँ से भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामान को भी बरामद कर लिया है। यह पूरा मामला हिमाचल के कांगड़ा के नूपुर जिले से निकल कर आ रहा है, जिसके दौरान पुलिस ने बताया कि यहां पर अवैध व्यापार के खिलाफ भंडाफोड़ करते हुए दबिश दी है और यहां से 7 से 8 युवक युवतियों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया है। डमटाल स्थित गांव भदौरिया में पुलिस ने हरियाणा के पानीपत जिले के रहने वाले होटल संचालक के साथ एक युवती को भी हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। उनके पास से मिले कैश को भी बरामद कर लिया है और व्यक्ति की पहचान अरुण कुमार रूप में की गई है और वही इस संचालक कर रहा था। वही बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने यहाँ पर छापेमारी की, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक बोगस ग्राहक बनाकर भेजा। जैसे ही बोगस ग्राहक ने यहाँ पर सिग्नल दिया तो उसके दौरान यहाँ पर छापेमारी कर दी गई और यहाँ पर अनैतिक कार्यों में लिप्त 7 से 8 युवतियों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि अब इनके खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सो दोस्तों, बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट में अपनी राय जरूर दें।